ये आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब बली गौर रहमान ने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत कर दी है। बुध को पंजाब असम्बली का इजलास तलब, इजलास बुलवाने की समरी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से वसूल भी करा ली। वजीर आला के नाम खत में गवर्नर ने लिखा कि आप पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन का एतमाद खो चुके हैं, एक सूबाई वजीर हसनैन दरेशक आपसे लड़कर काबीना से मुस्ताफी हो चुके हैं, पीटीआई के एक रुकन ख्याल कास्त्रो को आपने वजीर बनाया तो पार्टी चेयरमैन इमरान खान को इस बात का पता ही नहीं था, इसलिए बजाहिर आप असम्बली का एतमाद खो चुके हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज लाई स्पीकर सप्तैन खान और डिप्टी स्पीकर वासिक यूंग के खिलाफ रात गए तरीके अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, खलील ताहिर सिंधु, मियां मरगूब और पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा ने सेक्रेटरी असम्बली अनायतुल्ला लक को तरीके अदम एतमाद जमा कराई। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्ला तारड़ और हसन मुर्तजा का कहना था, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत तमाम अरकान असम्बली चाहते हैं कि असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें, तरीके अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बली तहलील नहीं हो सकती। आइन के अंदर ये वाज़े तौर पे दर्ज है कि जब तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला के खिलाफ आ जाए तो असेंबलियों की तहलील नहीं हो सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी जमात और हमारे इत्तेहादियों का ये ख्याल है कि पंजाब की असेंबली को और तमाम असेंबलियों को अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करनी चाहिए। हम इंतखाबात के लिए भी तैयार हैं, हमारी सफबंदी उसके लिए भी मुकम्मल है, मगर जब हमने मिसाक़े जमहूरियत साइन किया तो उसके अंदर एक शिक ये भी थी कि असम्बलियों की मुद्दत को मुकम्मल करने में और पीसफुल ट्रांजिशन में हम अपना किरदार अदा करेंगे। फैसला वही होगा जो आसिफ अली जरदारी साहब चाहेंगे या जो मियां शहबाज शरीफ साहब चाहेंगे या बाकी सारे इत्तेहादी मियां नवाज शरीफ साहब और दीगर जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, जो वो चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला वही फैसला होगा और कौम भी और आप सारे दोस्त भी बहुत जल्द इसकी खुशखबरी सुनेंगे।